दूध पीने के लिए सांप को दिया गया था। हाय फ्रेंड्स, मैं निर्मल कुमार, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्नेक लवर में। दोस्तों, स्नेक रेस्क्यू के लिए अभी जो है हम कमरगंज आए हुए हैं, सुल्तानगंज से 5 किलोमीटर पहले है, और यहां से मनीष कुमार जी ने हमें कॉल किया। यहां देख सकते हैं साथियों, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और ऐसे में जो है यहां जो पिलर गाड़ने के लिए जो गड्ढा खोदा गया है, यहाँ पिलर जो गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा गया है, तो साथियों इसी में जो है एक जहरीला गेहमन सांप, कोबरा सांप गिर गया है, गलती से गिर गया होगा रात में जाने के क्रम में। और क्या है कि लोगों ने श्रद्धा पूर्वक इसको जो है दूध दिया है पीने के लिए, तो लोग नहीं चाहते हैं कि सांप मारा जाए। सांप को बचाने के लिए लोगों ने हमें कॉल किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बताते चले साथियों, सांप जो है दूध नहीं पीते हैं, अगर सांप दूध पी लेंगे तो सांप मर जाएंगे। हो सकता है थोड़ा देर और प्यासा रहे या सांप तो दूध पी ले, तो फिर इसकी भी सिचुएशन खराब हो सकती है, क्योंकि दोस्तों सांपों के बॉडी में दूध पचाने वाला एंजाइम नहीं मिलता है, जिस कारण से सांप दूध पचा नहीं सकते हैं। अगर वो पी भी लेते हैं गलती से तो कुछ दिनों में उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये जो है एक जहरीला सांप है, जानलेवा सांप है। वैसे तो यह सांप दोस्तों कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन क्या है कि रास्ते में आते जाते क्रम में अगर गलती से इसके ऊपर पैर पड़ जाए तो ऐसे में जो है सांप बाइट कर लेता है। तो चलिए पहले इसे हम लोग निकालते हैं और उसके बाद फिर आपको इसकी जानकारी देंगे। तो देख ले ना, कितने बंदे हाथ में पकड़ के लेते हैं, तो देख सकते हैं साथियों हम इस कोबरा के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, और कितना गुस्से में है यह सांप, ये आप देख सकते हैं इसका गुस्सा। और क्या है, लोग यहां पर इसे दूध दे चुके दिए हुए थे, दूध पीने के लिए सांप को दिया गया था, क्योंकि गड्ढे में है दोस्तों, और काफ़ी देर से गिरने के कारण हो सकता है इसे प्यास भी लगी हो। यही है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, गेहमन सांप, खड़ीस नाग सब इसी का नाम है, और इसका एक साइंटिफिक नेम साथियों नाजा होता है। देख सकते हैं यह सांप कितना एग्रेसिव हो रहा है। तो चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। तो देख सकते हैं इसका गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा है, इसे खतरा लग रहा है। तो यह क्या है, बाइट लेने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि बंद जगहों में सांप जो है काफी खतरनाक हो जाते हैं। चलिए इसे बहुत सावधानी पूर्वक हम लोग लेकर बताते हैं। लगभग 6 फीट के आसपास, 5-5.5 फीट के आसपास है इसकी लंबाई दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों इस कोबरा की साइज क्या है, काफी बिग साइज का कोबरा है, और कितना एग्रेसिव है ये आप देख सकते हैं। तो क्या है दोस्तों कि यह जो है गड्ढे में गिर चुका था, और इस वजह से जो है मजदूर जब यहाँ काम करने आए, उन्होंने गड्ढे में इतने बड़े सांप को गिरा हुआ देखा तो काफी भयभीत हो गए, और दोस्तों लोगों ने इसे मारना सही नहीं समझा, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों के मन में श्रद्धा है। आप देख सकते थे वहाँ लोगों ने दूध दिया था, और इस नाग को लोग पूजा करते हैं, लोग इसे भगवान से जोड़ कर देखते हैं। लेकिन दोस्तों है ये एक जंगली जीव, अगर आप इसे नुकसान पहुँचाएंगे, इसे खतरा लगाएगा तो ये आपको बाइट करेगा। तो क्या है, यह एक जंगली जानवर है, अगर आप इसे खतरा पहुँचाएंगे, इसे खतरा लगेगा तो ये आपको बाइट करेगा, और अगर आप इसे वैसे ही छोड़ देंगे, जाने के लिए देंगे, तो ये आपको बिना कोई नुकसान पहुँचाए चुपचाप निकल जाएगा। तो दोस्तों अक्सर मनुष्यों का सामना होता है घरों में सांपों से, तो सांप जो है उनके घरों में आते हैं चूहे छिपकली वगैरह के शिकार करने के लिए, सांप आपको काटने के लिए कभी भी आपके घर में नहीं आते हैं।
देख सकते हैं अभी भी यह सांप, इसे खतरा लग रहा है, यह फन फैलाकर बैठ चुका है लेकिन यह हमला नहीं कर रहा है। इसे हमें काटने का या किसी को भी तंग करने का कोई इरादा नहीं है। सांपों का नेचर होता है छिपना, यह बस छिपे रहना पसंद करते हैं। भूख लगने के दरमियान ही सांप बाहर आते हैं और फिर शिकार करके फिर पुनः छिप जाते हैं। क्योंकि यह बड़ा कोबरा है इसलिए यह अपना डिफेंस कर रहा है, खड़ा होकर बैठ गया है दोस्तों। लेकिन अगर यह छोटा रहता तो यह भागने का प्रयास ज़्यादा करता। तो एक बात और साथियों, हम हमेशा अपने वीडियो में बताते हैं, स्नेक बाइट, सांप काटने के बाद सर्पदंश का उपचार क्या है। तो दोस्तों हमारे गांव में आज भी जो है लोग सर्पदंश के बाद पहले झाड़ फूक में जाना उचित समझते हैं, वहां चले जाते हैं झाड़ फूक करवाने लगते हैं। जिस कारण से क्या है कि बिना जहर वाला सांप यदि रहता है तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर जहरीला सांप उन्हें बाइट कर लेता है तो फिर क्या है उनकी डेथ हो जाती है। जब भी आपको कोई भी सांप काटे सीधा सरकारी सदर अस्पताल जाएं, वहां जाकर आप ट्रीटमेंट कराएं और 24 घंटे में आप ठीक होकर घर आ जाएंगे। तो चलिए साथियों इसी सब संदेश के साथ अब इसको हम लोग रेस्क्यू करते हैं। चलिए आइए अब इसको हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। दोस्तों वेरी लार्ज बिग साइज मेक्सिकन कोबरा, काफ़ी खतरनाक सांप, बड़े प्यार से दोस्तों इसे हम लोग देना बनती है। बाइक लेने के लिए कोशिश भी कर रहा था दोस्तों। ये एक बहुत रिस्की सिचुएशन होता है, सांपों को पैक करना काफ़ी खतरनाक काम है। अगर एक छोटी सी गलती आप कर बैठें तो सांप आपको बाइट कर लेंगे और फिर वो सिचुएशन आपके लिए डेडली बन जाएगी। हवा लेने के लिए साथियों आपने देखा इतनी दूर आके लगभग 40 किलोमीटर है हमने आकर इस सांप का अच्छी तरह रेस्क्यू किया, गांव वालों को इसके बारे में सही जानकारी दी। उम्मीद है आगे से कभी भी अगर यहां स्नेक बाइट होगी, कोई भी सांप काटेगा तो लोग झाड़ फूक में नहीं जाएंगे, सीधा अस्पताल जाएंगे और इसी तरह सांपों को बचाते रहेंगे, लोग भी बचते रहेंगे। तो उम्मीद है साथियों आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों हम लोग नेचर में आ चुके हैं, तो कल से अभी तक हम लोगों ने दो स्नेक को रेस्क्यू किया है, तो इसे हम लोग ला चुके हैं नेचर में रिलीज करने। तो चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। ये दोस्तों पहला उल्फ स्नेक है हमारे पास, तो इसे हम लोग निकालते हैं। इस सांप की ग्रिप काफ़ी ज़बरदस्त होती है, ये निकल नहीं रहा है दोस्तों। इसने खाना खा लिया है, तो हम लोग इसे अच्छी जगह ला चुके हैं, यहाँ इसे रहने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। आइए अब अपने अगले सांप को हम लोग ग्रिप करते हैं। ये दोस्तों बिग साइज का स्पेक्टिकल कोबरा है, ये जगह इसके लिए थोड़ी छोटी हो गई, इस वजह से इसे हम लोग अभी अभी पकड़ के आ रहे हैं दोस्तों। चलिए इसे हम लोग निकालते हैं और देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा साइज का कोबरा सांप है और निकल चुका है, तो चाहेंगे ये जंगलों में चला जाए, जाने देते हैं इसे।